صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من ضلة الصبيان الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصلاة ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة sallallahu alaihi wasallam ne ishaara farmaya kya main tumhe nafli namaz roze aur nafli salawat se afzal darje ka amal na batau farmaya ke zarur bataye ارشاد فرمایا کہ آپس کے روابط کو درست کرنا آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا اور ارشاد فرمایا کہ آپس کے تعلقات کا خراب ہونا یہ دین کو بالکل صاف کرنے والا ہے دن کو مون دینے والا ہے جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی تعلقات کے بگڑے ہوئے ہونے سے اور دنوں میں بغض و حسد ہونے سے دین ختم ہو جاتا ہے تو یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے بھائیوں کے آپس میں سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ان میں آپس میں رابطہ مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ارشاد فرمایا کہ المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون سارے مومن بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں اگر کوئی نئی اتفاقی ہے تو اس کی اصلاح کرو ان میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ ان پر رحم کیا جائے یعنی رحمت کو اللہ کی رحمت کو بھی اس پر معلق کیا گیا کہ تم آپس کے تعلقات سدھارو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہتے اگر آپس کے تعلق صحیح نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں بھی صاف ارشاد فرمایا لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے جلو نہیں کیا ہوتا ہے حسد حسد کسی کی ترقی کو دیکھ کر خود ہونا یہ حسد اور فرمایا لا تحاسد یہ بیماری انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ خود حاسد کے لیے وبال بنتی ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس کو خود کو چین نہیں ملتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ترقی رک جائے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ
जिसको नवाज है उसको कौन पीछे कर सकता है, तो दस्त ही करता रहता है, ये घूरता रहता है, हसद की आग में खुद ही जलता रहता है। दिल शांत रखना चाहिए, लाता है हसद वाला तबाह बजो, एक दूसरे से बोझ ना करो, एक दूसरे से दुश्मनी ना करो, अंदर बोझ है, अदावत है, फरमाया कि ऐसा ना करो, वाला तदाबर, एक दूसरे से मुंह ना हो, अकूम इबादल्लाह इख्वाना, और तुम सब भाई भाई बन करके रहो, सब भाई भाई बन करके रहो। और इसकी तदबीरें भी बताई कि कैसे ये आपस के ताल्लुक सही रहेंगे, किन चीजों से ताल्लुकात टूटते हैं, उन सबसे मना कर दिया गया। जैसे गीबत है, तो गीबत को बहुत बुरा करार दिया इस्लाम, क्योंकि इससे क्या होते हैं ताल्लुकात खराब होते हैं, गीबत से बात पहुंच जाती है, तो तुम्हारी बुराई बयान कर रहा था, जो आपके साथ उसकी बुराई बयान कर रहा था, तो वो उससे आपकी बुराई बयान करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? फिर आपने सहाबा के दरियाफ्त करने पर फरमाया कि तुम्हारा भाई का वायराना में ऐसा तस्करा करना कि उसको ना गवार हो। सहाबा ने पूछा कि अगर भाई के अंदर वायर मौजूद है तो कहा कि तभी भी बदले, और अगर वायर मौजूद नहीं है तो फिर बोहतान है, और कुरान शरीफ ने उसको अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा है। फिर तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? तो मुर्दा क्यों कहा गया? क्योंकि जिंदा तो कोई खा नहीं सकता गोश्त, अगर काट लो जिंदा को तो वो मारेगा आपको, मुर्दा नहीं दिफा कर सकता अपना, तो उसका खा सकता है गोश्त। तो यही तशबीह है कि अगर वो मौजूद होता तो तुम उसकी बुराई नहीं करते, अगर करते तो वो ऐसा जवाब देता दंगा शिकन मुंह तोड़ खामोश हो जाते हो, तो खामोश रहो, अभी हम बता देंगे तुम्हारी बात में सब, उनको भी मालूम है तुम कितने पानी हो, तो वो दिफा करता, फिर आप नहीं करते, अभी वो गायब है तो कुछ नहीं कर पा, तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, इसलिए इसको ऐसा बीमारी भी बहुत आम होती है। दीबत, दीबत की बीमारी बहुत आम होती है, और उसमें बड़ा मजा आता है, लेकिन उसी को कहा मुर्दा भाई का गोश्त खाना। वाकई आदमी सोचे कि अल्लाह ताला उसको परमा रहा है मुर्दा भाई का गोश्त खाना, वही मजा आ रहा है ध्यान करने, लज्जत मिलती है इसी। तो ठीक है, असल हसद को तस्कीन पहुंचाता है, तो अंदर हसद की आगे ना उसको सुकून देता है कि हाँ उसकी हम बुराई प्यार कर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विपत करने से परहेज करना चाहिए, रोक देना चाहिए कि छोड़ो यार किसी की बुराई को बयान कर, हमारे अंदर खुद आयब मौजूद है, जैसे कि मिसाल है, और वो हदीस में भी वो अल्फाज मौजूद हैं कि अपने भाई की आंख का तिनका नजर आ जाता है और अपनी आंख का शतीर भी नजर नहीं आता, मिसाल भी है कहावत भी और हदीस में भी है, अपने भाई का तिनका नजर आ जाता है और अपनी आंख का शतीर, शतीर कहते हैं वो लकड़ी लगती है घरों में, इसके ऊपर पोलू बिछाते हैं, तो
बीच में लकड़ी होती है उसी को शेती कहते हैं, बड़ी सी मोटी। तो वो अपनी आंख का शेती नजर नहीं आ रहा है, मतलब तो दूसरे का छोटा है भी नजर आ रहा है, अपना बड़ा है भी नजर नहीं आ रहा। इससे बस से मना किया गया है और किसी को हकीर जानने से मना किया गया है, हकीर समझना, लाया के रखना। फरमाया कि बेहसबी मरीज ने शर या तेरा सहूल मुस्लिम, आदमी के बुरा होने के लिए काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हकीर मतलब कमतर। अगर देखा जाए तो इसमें भी हम लोग मुक्तर हैं सब। आदमी अपने आप को समझता है नहीं, ये तो मामूली दर्जे का है, सबसे सुपर अपने आप को समझता है, तो दूसरे को कमतर समझता है। तो कमतर समझता है तो ऐसे ही मामला करेगा। हालांकि कुरान में ये भी है कि कोई किसी को हल्का ना समझे, उसका मजाक ना उड़ाए, कोई कौम किसी कौम का मजाक, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। तो आदमी को समझना चाहिए कि मैं इसको बज़ाहिर नीचा समझ रहा हूँ, अपने आप को फाइव समझ रहा हूँ कि मेरे अखलाक अच्छे हैं। तो ये भी एक है कि अखलाकी मत फाइव समझे कि मालूम हो गया तो मैं घटा हूँ, लेकिन अखलाकी अखबार से जहन के अखबार से मैं फाइव हूँ। तो ये भी तो हकीक समझना है दूसरे को। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि ये बड़े कमाल की बात है कि तुम जिससे भी मुलाकात करो तुम उसको अपने से आला समझो, ये अहम बात है। कमाल के लोगों में ये बात होती है। तो उसी बात से मिलेगा आपको। इससे भी मना किया बदगुमानी करने से, फरमाया कि किसी के बारे में बदगुमान ना करो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। झूठी बात है मतलब दिल ही में आदमी बात कर रहा है अपने आप से, अच्छा ये आदमी ये इधर क्यों गया है, अच्छा ये मतलब है कि ये वहां जाएगा और ये वो काम करेगा बुरा काम, या मिसाल के तौर पर नहीं आ रही है, इसमें आया था अपने पड़ोस में और मेरे घर नहीं आया और चला गया, इसका मतलब ये जो है इससे जलता है और इससे दुश्मनी है इसकी। तो ये समझ लिया बदगुमानी का दायरा इतना वसी है, किसी भी बात में हो सकती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, बुरा मतलब नहीं लेना चाहिए किसी कि अमल का किसी का बोलना, ये समझ लेना चाहिए उसको जल्दी होगी बेचारे को इसलिए नहीं आए, तावील कर लेना चाहिए दूसरे अपने तौर पर। आदमी को अपने खिलाफ बदगुमान रहना चाहिए, नफ्स के खिलाफ, दूसरों के बारे में खुशगुमान रहना चाहिए। आदमी अपने आप को तो क्या समझता है, अरे मेरी मजबूरी थी यार इसलिए नहीं किया, अपने को मजबूरी करता है, मेरे लिए जायज़ है, मेरे घर ऐसे हालात हैं ना, अपने बारे में अच्छा गुमान करता है, दूसरे के बारे में वो बहानेबाज है वो, तो दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। कोई बात कही किसी ने, उसके दो मतलब हो सकते हैं, तो अच्छा मतलब निकाल रहा हो, अच्छा मतलब निकाल रहा, अगर गुंजाइश है उसमें आपने बुरा ही मतलब क्यों निकाला। तो बदगुमानी से बचने की हदीस में तलकीन आई और यहाँ तक फरमाया गया कि कोई किसी के बेचने पर बेचे नहीं, खरीदने पर खरीदे नहीं, पैगाम पर पैगाम ना दे कि कोई सौदा हो रहा है दो में। अब एक आदमी कहता है अच्छा ये इसको बेच रहा है, ये मकान इसको बेच रहा है, अब उनको उसको मालूम भी है कि इन दोनों में बात चल रही है, ये मकान बेच रहा है ये खरीदार है, तो दोनों बातें हो सकती है, बेचने पर बेचे, वो खरीदार के पास एक आदमी जा रहा है अरे उसका मतलब मैं बेच दूंगा तुझे, मैं जो है सस्ता दे दूंगा,
सस्ता रहे तो ना तो मुझसे लेंगे। ये एक आदमी कोई मालूम हुआ या कोई आदमी उसका उल्टा कि मालूम है कि ये खरीद रहा है, एक आदमी आने अरे तुझसे बेच रहा है, मैं खरीद लूंगा तुझसे इतने में ज्यादा में खरीद लूंगा, तो चाहे किसी के खरीदने पर खरीद रहा हूँ या किसी के बेचने पर बेच रहा हूँ, मुझसे ले ले या मुझे दे ले, उन दोनों में बात चल रही है तो अब तीसरा आदमी ना टपके हदीस में, इससे क्या होगा ताल्लुकात टूटेंगे। इतनी बारीक बात है लेकिन मना किया गया ऐसे ना कर, तो इससे ताल्लुकात टूट जाते हैं। पैगाम पर पैगाम ना दे, दोनों में बात चल रही है, उनकी लड़की को कोई देखने आया तो आपने अच्छा क्योंकि लड़की को ही देखने आए हैं और अब आप चाहे जिधर पैगाम दें कि किसी प्रकार के चलो हम दे देते हैं, अरे वो तो खराब लोग हैं, तो खराब लोग हैं वो लोग जो आए हैं उनसे मत करो, चाहे हमारी लड़की अच्छी उनसे कर लो तो हमारी लड़की से कर लो, या लड़की वालों के पास आ रहे हैं तुम कहाँ कर रहे हो शादी, इनसे मत करो हम तुम्हें अच्छा बरकरार देंगे, अपना अपना रिश्तेदार बदल, तो ये सब माना है। वो मशवरा करे आपसे और आपका मसान ना हो तो कर सकते हैं, जैसे कोई आदमी आया कि लगा कि हमारे तुम्हें वहां निकाह करना है तो आपकी क्या राय है, अब आपका अपना मफाद नहीं है कि मैं अपने बेटे से करवा दूंगा, बल्कि आप उसी की खैर खाई में कह रहे हैं, कह सकते हैं कि आप वो आदमी ठीक नहीं, क्योंकि राय पूछी आपसे और इसमें गीबत भी इतनी जायज है कि क्योंकि राय पूछी गई है ना आपसे, लेकिन अगर दिल में चोर है कि आप समझ रहे हैं कि वो आदमी सही है, लेकिन चूंकि आपको एक उतना फायदा निकालना है कि अपने भतीजे से करवाना है तब तो नाजायज होगा, लेकिन आपको अपना कोई मफाद नहीं है, सिर्फ राय पूछने वाले की खैरख्वाही है आपके लिए, तो वो तो फिर अमानत है, फिर उसमें अगर कोई ऐब है तो आप बता सकते हैं। तो फिलहाल हदीस में ये सब बारीकियां मौजूद है कि बल्कि जवाज की जो हमने बात बताई है इसका एक वाकया है कि फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तलाक हो गई उनको, तो हुजूर ने फरमाया था कि देखो इद्दत गुजर जाए तो तुम्हारे पैगाम आए तो मुझे जरूर बताना, मेरे पूछे बगैर शादी न करना, तलाक हो गई थी आगे में तलाक हो जाती थी कोई मसला नहीं था, इद्दत गुजरेगी अभी दूसरे पैगाम आने लगे फट से जाए, हम लोगों के यहाँ बड़े मसाइल बेचारी तलाक शुदा बैठी हुई है तो बैठी हुई है कोई शादी दूसरी शादी को है समझा जाता है, तो ये जो है मसाइल है क्या हो जाते बहुत हो जाती थी फिर से, तो पैगाम आए दो तीन जगह से कहा, एक तो मुआविया ने पैगाम दिया है, एक अबू जहल ने पैगाम दिया है हजरत मुझे आपने कहा था, तो आपने कह दिया मुआविया तो मुफलिस है वो तुम्हें क्या खिलाएगा, और अबू जहल को मारता पीटता है मत करो उनसे उसामा से करो, तो ये जवाब वाली बात हम कह रहे हैं ना कि अगर किसी की खैरखाई में आपका अपना मफाद ना हो तो फिर आप उनसे कर सकते हैं, लेकिन बात काटने के लिए नहीं उनके फायदे के लिए, और आपने इतना पैगाम घुसाने के लिए बात काटनी और मत करो तो गलत हो जाएगा। तो उसामा बिन ज़ैद हालांकि आपके चहेते थे बहुत, लेकिन आप उनके फायदे के लिए नहीं कह रहे, फातिमा के फायदे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पूरी उम्मत से पूरा बाप जैसा ताल्लुक था, पर मैं कि मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह से हूँ, बल्कि कुरान में फरमाया नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम के हुजूर मोमिनों के लिए उनकी ज़ात से भी ज़्यादा हैसियत रखते हैं, जितना वो अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखेंगे इतने नबी उनका ख्याल करें, तो
इसलिए सातवां के फायदे की बात कह रहे हैं। रात में हजरत फातिमा बिनत तैस ने फातिमा बिनत तैस को तो उन्होंने हुजूर के मशवरे पर अमल किया, उसामा बिन ज़ैद से शादी की, तो फिर कहती है बहुत अच्छी शादी है, मुझे वश हुआ हुजूर के मशवरे पर अमल किया। तो ताल्लुकात बहुत मामूली मामूली बातों में टूट जाते हैं। इसके बाद ये जो है हसास मसला होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हैं। इस सिलसिले में कि किसी का दिल ना दुखे, दिल आजारी ना हो, दिल आजारी बहुत यानी बुरी बात है, किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है। उनको चाहिए कि दिलदारी करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी कम दर्जे की चीज़ नहीं है कि किसी से खुश अखलाकी के साथ पेश आओ, किसी से खुश अखलाकी के साथ पेश आओ बड़ी नेकी। हजरत मां राबे साहब जो अभी इंतकाल फरमा गए, इनके बारे में उनके खानदानी के बच्चे ने लिखा कि हमारे अच्छे अब्बा कोई भी आदमी आता अंदर से बिल्कुल यानी परेशान है, कोई दीनदारी है, मिलने का भी नहीं चाह रहे, लेकिन आता तो मुस्कुरा ही देते थे, वो ऐसे लगते थे कि बहुत खुश हैं और उनसे बहुत खुश होकर के मिल रहे हैं। अभी मूड इनका बहुत अच्छा है, उनके बच्चे भी लिखा उनके खानदान के छोटे, हालांकि उस वक्त उनकी इतनी तकलीफ होती थी, नाबारी होती थी, लेकिन कोई आ जाता था तो वो आदमी समझता था कि इस वक्त मूड अच्छा है हजरत का और बहुत खुश अखलाकी के साथ मिले, ये जबर कर कैसा तो बड़े दर्जे की बात है। ये सब अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी व आलिहि व सहाबी। क्या ज़रूरी मुसाफा थोड़ी ज़रूरी जो कह रहे हैं कि ये करोना ये तो फ़र्ज हो गया, अब बैठे बेचारे तो खड़ा कर। सोच रहे थे कुछ, अब आपने बीच में वो ताल उनका जो सिलसिला था वो तोड़ दिया। हाँ।